बिहार में अगले कुछ महीनों में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी। पंचायत चुनाव में मतदाताओं के नाम जोड़ने या हटाने को लेकर वोटर लिस्ट में संशोधन का काम भी चल रहा है। इसी क्रम में पटना जिले के मतदाताओं की सूची और मतदान केंद्रों को शुद्ध करने का काम भी शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि पटना जिले में 47 लाख मतदाता है जो आगामी पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आयोग के मुताबिक मतदाता सूची में वोटरों का नाम जोड़ने और हटाने का काम 11 जनवरी तक किया जाएगा। पटना में पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया है कि वोटर लिस्ट में इस बार कुछ मतदाताओं के नाम बढ़ सकते हैं। अधिकारियों ने कहा है कि पटना में पंचायत चुनाव को लेकर 4500 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। जिले के जो मतदाता इस सूची में अपना नाम जोड़ना या हटाना चाहते हैं वह 11 जनवरी तक आवेदन दे सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पटना जिले में पंचायत राज पदाधिकारी ने बताया है कि पंचायत चुनाव के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने सुझाव मांगा था, वह उन्हें भेज दिया गया है। सभी मतदान केंद्रों में PLO को वोटर लिस्ट में गलतियां सुधारने का निर्देश दिया गया। न्यूज़ डेस्क, नेशन न्यूज़, पटना।